अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी प्रतिकृति इंदौर के विश्राम बाग में तैयार हो गई है। 21 टन लोहे के स्कैप से तैयार इस प्रतिकृति की ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट और लंबाई 40 फीट है। 20 मजदूरों ने करीब 2.5 माह की मेहनत से इसे तैयार किया है। इस प्रतिकृति को तैयार करने में नगर निगम ने लोहे के पुराने खंभे, कबाड़, गाड़ियों की चेचिस, नट बोल्ट, टूटे फूटे झूले, फिसल पट्टियां, ग्रिल आदि का इस्तेमाल किया है। संभवतः देश में पहली बार लोहे के स्कैप से किसी मंदिर की इतनी वृहद प्रतिकृति तैयार की गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से प्रेरित होकर ही उन्हें विश्राम बाग में मंदिर की प्रतिकृति तैयार करने की प्रेरणा मिली। बड़ी चुनौती यह थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसकी प्रतिकृति कैसी बनाई जाए। इसके अलावा लोहे के स्कैप से इतनी बड़ी प्रतिकृति तैयार करवाना किसी भी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कलाकारों की मेहनत ने यह संभव कर दिया। इसमें वेल्डिंग वाले कारीगरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि छोटे बड़े और टूटे फूटे लोहे के सामान को मंदिर का रूप देना आसान नहीं था। महापौर ने आगे बताया कि प्रतिकृति की फिनिशिंग का काम जल्द ही शुरू होगा। स्वच्छता और स्मार्ट शहरों में शामिल इंदौर ने एक और नवाचार करते हुए अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रतिकृति विश्राम बाग में बनवाई है। राम मंदिर के मॉडल के अनुरूप प्रतिकृति पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। इस प्रतिकृति का रंग रोगन और बिजली फिटिंग का कार्य जारी है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।